हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने लैपटॉप या पीसी में एक नई विंडो डाल सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपने लैपटॉप या पीसी में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए होती है, दैट इज़ अ .exe फाइल। सिमिलरली, अगर आपको अपने पीसी या लैपटॉप में विंडोज 7, 8, 8.1 और विंडो 10 डालनी है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगी उसकी ISO फाइल, जिसको हम लोग ISO इमेज फाइल भी बोलते हैं। तो उसको हम लोग डाउनलोड करने के लिए सबसे आसान तरीका फॉलो करने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग खोलेंगे अपना गूगल। गूगल में हम लोग टाइप करेंगे गेट इनटू पीसी। ये जो सबसे पहला वेबसाइट का लिंक हमको मिलेगा गेट इनटू पीसी, इसको क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा एक सर्च बार, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे विंडो ISO फाइल। क्लिक एंटर। सी, आपको यहाँ पे विंडोज की ISO फाइल मिल जाएंगी हर वर्जन के लिए, आइदर इट्स अ 32 बिट और 64 बिट, और विंडोज 7, 8 और 8.1 और विंडोज 10। देखिए यहाँ पे आपको विंडोज 7 के लिए अल्टीमेट 6 in 1, 6 in 1 का मतलब है इसके जितने वर्जन होते हैं आपको इस विंडो के अंदर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ एंटरप्राइज वर्जन और बेसिक, होम, बेसिक, कैसे, सारे वर्जन के लिए। सी, इट्स अ विंडो 8.1 होम वर्जन। ओके, अभी थोड़ा सा और हम लोग सर्च करके आपको देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं। सी, इट्स अ विंडो 10 64 बिट, विंडो 10 64 बिट, इट्स अ एंटरप्राइज 2004 जून वर्जन। ओके, सी, इट्स अ विंडो 10 प्रो अपडेटेड, इट्स अ विंडो विस्लर, और बहुत सारे वर्जन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपके विंडोज के सारे वर्जन होंगे, जैसे 7, 8, 8.1। फॉर एग्जाम्पल, हमको ये वाला डाउनलोड हम लोग करते हैं विंडो 10 64 बिट एंटरप्राइज। तो इसको क्लिक किया, देन वी विल स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखेंगे कि जब आप इसको विंडो को इंस्टॉल करोगे तो आपको ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे। स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये एक बटन दिखेगी, डाउनलोड 64 बिट। आप इसको क्लिक कर दोगे एंड देन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ एक कॉर्नर आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी इसकी। सी, ये 5 GB की फाइल है और ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है। सो मोस्ट, अगर आप प्रेफर करना चाहते हो तो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज़ अ इंटरनेट डाउनलोडर, ओके, जिससे कि आप उसकी स्पीड को मैनेज कर सको, देख सको कि कैसे हमारा डाउनलोड हो रहा है। 5 GB की फाइल है, थोड़ा टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। आप लोग वेट करेंगे तो आपको ये इसकी ISO फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। एक और बात कि ये जो भले ही आप ये वेबसाइट यूज़ करें, गेट इनटू पीसी और सम अदर वेबसाइट यूज़ करें, लेकिन जो ISO फाइल होती है उसका जो बेसिक लुक होता है, उसकी इमेज होती है, वो हमेशा ऐसी दिखेगी जो आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में दिख रही है। एक ऐसा पेज दिखेगा और ये ऐसी बीच में डिस्क दिखेगी, दैट इज़ अ जेन्युइन ISO फाइल। वरना बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको बहुत सारे डाउनलोड लिंक्स देंगी, इधर उधर घुमाएंगी, बट वो आपको रिजल्ट नहीं देंगी। और इट्स अ मोस्ट जेन्युइन वेबसाइट जो कि मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। सबसे आसान तरीके से आपको यहाँ पे इसकी जेन्युइन ISO फाइल मिल जाएगी और ये वर्क करती है। बेसिकली विंडो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने एक ISO फाइल डाउनलोड कर ली है। जो दूसरा स्टेप होगा वो ये होगा कि हम किस तरीके से इस ISO फाइल को एक बूटेबल फाइल बना सकते हैं। बूटेबल बनाएंगे हम लोग अपनी पेन ड्राइव में, ओके, और उस पेन ड्राइव को हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने उस लैपटॉप या पीसी से जिसमें हमको वर्जन डालना है विंडोज का। सो यह मेरी इस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप एक विंडो की बूटेबल फाइल ISO इमेज फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस ISO फाइल को बूटेबल बनाएंगे अपनी पेन ड्राइव में, एंड थर्ड वीडियो में हम लोग बताएंगे एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।